हाँ जी श्रीमान, थैंक यू कैसे हो? अच्छा, जहाँ जाओ। ये लो, हमें एक यात्री मिले हैं, ट्रेवलर, जो कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ना। कहाँ से हैं आप? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता 24 परगना जिला। वेस्ट बंगाल से? हाँ, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, कब यात्रा शुरू की आपने? 23 जनवरी 2022। कहाँ कहाँ तक का है आपका प्लान? ऑल ओवर इंडिया, 28 स्टेट, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, पूरा ऑल ओवर इंडिया। कितना निकाल दिया अभी आपने? बंगाल, झारखंड, बिहार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कम्प्लीट हो चुका है, अभी हिमाचल जा रहा हूँ। कितना पेंडिंग है अभी का? आधा बाकी है। किस उस उद्देश्य से घूम रहे हो? मतलब सेव वाटर, पौधा बचाओ, पानी बचाओ। अच्छा, सेव ट्रीज एंड सेव वाटर, क्या बात है। पर्यावरण अभियान भी आप कह सकते हैं, पर्यावरण अभियान। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अरूप विश्वास। अरूप? हाँ, ARUP। अच्छा, अरूप विश्वास। व्हाट डज इट मीन बाय, इस मतलब क्या होता है आपके नाम का? जिसका कोई रूप ही नहीं है। अच्छा, क्या बात है, बड़ा सुंदर नाम है। और यहाँ का हो गया अभी केदार का? हाँ, केदार बद्री। कैसा रहा केदार का? हम भी केदार ही जा रहे हैं। केदार में बारिश तो डेली होता है, अभी हो रहा है। पहाड़ का मौसम और मुंबई का फैशन किसी भी समय। तो आप इंजॉय कर रहे हो? बहुत। और प्रेरणा कहाँ से रही आपको? राम जी, माता सीता जी। हाँ, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तभी हम बाइक को घुमा के लेके आए। ना, हाँ, हम भी कोई यूट्यूब वगैरह पे चैनल तो नहीं बना रखा? यूट्यूब पे तो एक चैनल खोला था, वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करूँ, सुबह देखिए, सुबह से शाम तक यात्रा चलता है। सुबह भोजन बनाना, शाम को भोजन बनाना। खुद ही बनाते हो भोजन? सारा सामान साथ में नहीं रखा आपने? बर्तन। अच्छा, अपने सामान अपने पैसों से लेके चले हो या कोई सेवा मिल जाती है? पैसा तो लेके कुछ चला हूँ, और पब्लिक हेल्थ ऐसा चल रहा है। अच्छा, तो अच्छा चल रहा है, मतलब कहने का कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, हमारा देश का इंसान भी महान है, हमारा देश भी महान है, दिक्कत कोई भी नहीं। किसी भी प्रदेश में आप जाइए, हर प्रदेश में, हर गाँव में, हर गली में अच्छा इंसान है। जिस भाव से आप जाएंगे, आपको उसी भाव का ही इंसान मिलेगा, तभी तो हमारा तिरंगा लहरा रहा है। इसीलिए हर प्रदेश में अच्छा इंसान, मदद करने वाला, हेल्पफुल वाला, हर तरह का, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अगर नहीं निकलता तो मैं पता ही नहीं चलता कि हमारा देश के बारे में क्या क्या है। आप क्या कहना चाहोगे मतलब युवाओं को, जो भी मतलब डरते हैं घर से निकलने से पहले कि भी पता नहीं क्या होगा रास्ते में? माँ बाप भी रोकते हैं, रिश्तेदार भी रोकते हैं, इसे वैसे ही समझते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है मतलब घूमना। आपको क्या लगता है कि जरूरी है हर युवा को घर से निकल के देखना? क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ाई लिखाई में, किताबों में जो मिलेगा, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल, ये किताबों में नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे कि हमारा हिंदू शास्त्र होता है ना, जैसे कि रामचरितमानस या गीता भगवत जी, उसमें जो शास्त्र में जो ज्ञान मिलता है वो तो स्कूल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हर ज्ञान आपको शास्त्रों में मिलेगा, और शास्त्र स्कूल में है नहीं। स्कूल में है नहीं, तो ऐसा शास्त्र ही नहीं है, लेकिन शास्त्रों से कम नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल। पग पग बढ़ा रहा हूँ एवरीडे, हर हर नया नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए लोग मिलते हैं, है ना, व्यवहार देखने को मिलता है। मतलब ये शिक्षा स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए युवा को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से साइकिल नहीं लेके, आपका जैसा सामर्थ्य वैसा ही निकालो, देश को देखो, जानो, पहचानो, और ये जो अनुभव है हमारा प्रकृति, नेचर, इसको आनंद उठाओ। क्योंकि घर बैठ के नहीं मिलेगा आनंद, अगर घर में रहोगे तो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में सुबह से शाम तक आते जाते रहोगे, यही 20-50 किलोमीटर, 2,000-5,000 लोगों से मुलाकात, बातें फोन पे ऐसे हो जाते, और अभी यहाँ तो निकलने के बाद करोड़ों लोगों से बातें। 5,000 कहाँ, 500 लोगों से भी नहीं मिल पाते पूरे जीवन में। और आपके चेहरे का जो आनंद होता है ना ये अनुभव लेने के बाद, वो लोगों को आकर्षित करता है। अभी हम जा रहे थे, हमारा कोई आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन आपको देख के मैं मतलब देखो, मैं वहाँ से वापिस आया, मैंने कहा उनको भाई साहब को मिल के आते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं तो ये आपका वीडियो मैं चढ़ाऊंगा अपने ब्लॉग पे, हैमर गुरुजी नाम करके हमारा चैनल है, ठीक है ना। सीताराम, सीताराम विधि रही है। एक इंसान जन्म लेने के बाद मानव जीवन का जो उद्देश्य, धन कमाना, पैसा कमाना, ये नहीं मकसद होता है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान को भजन करना। जो इंसान भगवान को भजन करता है, उनका दुनिया का सारे सुख मिल जाता है। और ये भी तो भगवान का भजन ही है, जब आप प्रकृति को देख रहे हो ना घूम घूम के, इसे दृश्य भ्रम बोला गया है हमारे शास्त्रों में ना। एक श्रुति भ्रम होता है और शब्द भ्रम होता है, मतलब जो शब्दों से पढ़ के हम परमात्मा को अपने अंदर लेते हैं, तो ये दृश्य भ्रम है। भ्रम को अपने अंदर लेना, उस निराकार को अपने अंदर उतारना दृश्यों से, आत्मा को साथ परमात्मा को जोड़ना, यही मकसद लोगों को रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सारे लोग भोगों में जुड़े रहते हैं, और उसके बाद एक दिन प्राण छूटेगा, प्राण छूटने के बाद कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। आप
जितना ही धन कमा लो आप कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो साथ जाएगा वो है भजन। भजन ही आपको आगे आने वाला जन्म में आगे मार्ग बढ़ाएगा और जीवन को सुंदर दिशा बदल देगा जिंदगी भजन में। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए। जो भी भगवान को पसंद करती है, कृष्ण भगवान को पसंद करती है, राम भगवान को पसंद करती है, हरि भगवान, जिनका जो इष्ट है उनका ही नाम जपते रहिए। और भजन में जो सुख है सारे दुनिया में इतना सुख कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बार करके तो देखिए आप, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि। धन्यवाद। चेहरे की प्रसन्नता है ना, जो खुशी है वो बता रही है कि आप जीवन को जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। शिव के भक्त हैं आप? नहीं, शिव के भक्त देखिए, भगवान शिव जी ही भगवान राम है, भगवान राम ही भगवान शिव है। हाँ, शिव ही सत्य है। तो शिव भी भगवान है। मेरा तो इष्ट देव हनुमान जी, हनुमान और प्रभु के राम जी का नाम तो जप करते ही रहता हूँ मैं, तो इसीलिए इष्ट हनुमान जी और शिव जी तो है ही, क्योंकि शिव जी का ये जो महीने था सावन महीना, कर्णप्रयाग में मेरा सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो कर्णप्रयाग शिवालय में हूँ। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, ठीक है। माता पिता का सहयोग है, उन्हें मालूम है? बात होता रहता है। अच्छा, बात होता रहता है। जो जन्म मिला वो नया जन्म मिल गया। माँ बाप जो होते हैं वो शरीर को जन्म देते हैं, और जो गुरु होता है वो आत्मा को जन्म देता है, और आत्मा सो परमात्मा। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे जो आखिरी सीढ़ी है ना, तभी मिलती है, है ना। और आपने तो सहमति भी जाहिर कर दी अपनी, बजा के। क्या बजाया आपने? ये तो और हाथ लग गया यार, दिन ये आप एक साइकिल ट्रेवलर से मिले, जो कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, सदाचारी व्यक्ति थे, परमात्मा को मानने वाले, उस जिसे आप परमात्मा परमात्मा बोलते हो, उस परमात्मा को अनुभव के रूप में जीने वाले, जैसा कि आपने बातचीत से जानी लिया होगा। और ऐसे सज्जन व्यक्ति अगर कहीं आपको मिले तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर करें, जैसा कि हमने स्पेशल बाइक रोका उनको देख के, हमने उन्हें अप्रिसिएशन किया उनका, और वीडियो में इसलिए लिए ताकि अन्य लोग भी इंस्पायर्ड हों ऐसी यात्राएं करने वाले लोगों से। तो बस इतना ही हमारा उद्देश्य था, फिर मिलते हैं आगे। हमारा हैमर गुरुजी नाम करके चैनल है, उस पे आपकी वीडियो डालेंगे हम, ठीक है।